अरे बच्चों, आज हम देख रहे हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर लेसन 10 स्टेटिस्टिक्स क्वेश्चन नंबर 40। इससे पहले के क्वेश्चन आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हमें आज के क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन एंड उसका कॉफिशियंट। क्वेश्चन में आपको टेम्परेचर दे रखा है, वो -40 से -30, -30 से -20, इस तरीके से चलता है और इधर प्लस में चलता है। ये आपका एक्स हो गया और ये एफ हो। क्वेश्चन आपने देख लिया है, सिंपल सा क्वेश्चन है। विशेषता ये है कि आगे माइनस की संख्याएं हैं और पीछे प्लस की संख्याएं हैं। तो ये असेंडिंग ऑर्डर का क्वेश्चन हुआ क्योंकि आगे छोटी संख्या है, माइनस की संख्या यानी छोटी संख्या, और पीछे हो गई प्लस की संख्या यानी बड़ी संख्या। तो असेंडिंग ऑर्डर है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह का एक सवाल और आता है जिसमें आगे तो प्लस होता है और पीछे माइनस होता है, तो फिर उस क्वेश्चन को अपोजिट करना जरूरी होता है। याद रहेगी ये बात। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। -40 से -30 से स्टार्ट होके 20 से 30 तक है। देखें तो आप लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे -40 से -30, फिर -30 से -20, -20 से -10, -10 से 0, 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30। लास्ट यही है ना, 20 से 30। फ्रीक्वेंसी बताएं। हाँ बेटा, 10, 28, 30, 42, 65, 180 और 10, टोटल 365। ठीक। अब उसके बाद में आपको सबसे पहले मिड वैल्यू लेना है, जिसको हम x कहेंगे, फिर dx लेना है, फिर d डैश x लेना है, फिर f d डैश x लेना है, फिर एफ डी डैश एक्स स्क्वायर लेना है। ये इतने कॉलम आपको बनाने हैं। हमने ऐसे क्वेश्चन पहले भी किए हैं। तो मिड वैल्यू 40 और 30 का कितना आएगा? मिड वैल्यू -35, -25, -15, -5, प्लस का 5, फिर 15, फिर 25। सही है, कोई दिक्कत बच्चे? इसमें मिड वैल्यू आ गया। मिड वैल्यू आने के बाद में अब आपको एज्यूम करना है। तो एज्यूम किसको करेंगे? -5 को एज्यूम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। या प्लस को करना ज्यादा इजी लगता है आपको? प्लस करते हैं, प्लस एज्यूम करेंगे। इस बार थोड़ा सा नियम चेंज कर देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। एज्यूम कर लिए 5, तो यहां पे a बराबर आप लिख दो 5। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है x माइनस ए। तो इन सारी संख्याओं में से 5 घटाना है। तो सबसे पहले 5 में से 5 घटाया 0, -5 में से 5 घटाया। तो देखो इसको मैं यहां लिख के बता रहा हूं, आप सारे चेक कर लो। -5 है, घटाना है 5, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। तो आंसर क्या आ जाएगा? 10। माइनस का 10, माइनस का 20, माइनस का 30 और माइनस का 40। फिर नीचे आप क्या आ जाएगा? 10 और 20। कोई दिक्कत है बच्चे? आसान है। अब आपके डी डैश एक्स के लिए इंटरवल 10 का है, 10 का भाग दे दो सब में। तो -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2। अब उसके बाद में फ्रीक्वेंसी से गुणा करनी है। तो ये रहा एफ यहाँ पे, तो इसकी गुणा करो डी डैश एक्स से। तो ये दो कॉलम की गुणा करनी है प्यारे बच्चों, इस कॉलम की गुणा करनी है इससे। तो दोनों तरफ मैंने आपको कहा है कि दोनों तरफ अंगुली लगा के फिर करना, ताकि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है। 10 इंटू -4 तो माइनस का 40, 28 इंटू 3 माइनस का 84, माइनस का 60, -42, 0, 180,
20, इसका टोटल लगाना पड़ेगा। फिर इधर इसके बाद में एफ डी डैश एक्स स्क्वायर लेना है, तो ये मैंने आप लोगों को सिखाया है कि इसके लिए हमें इन दोनों की गुणा करनी है, ठीक है। तो गुणा करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 160, 84 इंटू 3 252, 60 इंटू 2 120, 42 इंटू 1 42, 0 180 40, इसकी भी टोटल लगाए, दोनों टोटल लगानी है। तो इसका टोटल आता है माइनस का 26, 7, 9, 4 हो गया। अब अपने को कैलकुलेशन करना है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो सबसे पहले फर्स्ट कैलकुलेशन एसडी, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगाएंगे, सिग्मा एफ डी डैश एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस ब्रैकेट में सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। एन का मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी से होता है, इंटरवल से गुणा करा देना, इंटरवल आ गया 10, सिग्मा एफ डी एक्स 9, 7, 9, 2, 4 अपॉन एन है 365 माइनस माइनस 26 अपॉन 365 का होल स्क्वायर। सॉल्व करना है, 10 बाहर अंडर रूट के अंदर में भाग दे दो, इसका कितना आता है 2.1। हाँ प्यारे बच्चों, ये कैलकुलेशन आपकी यहाँ आ जाती है दोनों, इसमें से इसको घटाना है, फिर अंडर रूट करना है, फिर 10 से गुणा करना है, ये काम सारा एक साथ कर दो, आंसर बता दो सीधा, आंसर 7, 3 आंसर दिया हुआ है किताब में, ये आपका आंसर हो गया प्यारे बच्चों। अब उसके बाद में एस डी आने के बाद में नंबर दो कैलकुलेशन आपको लेनी है एक्स बार, तो एक्स बार का फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन एन इंटू आई, एन का मतलब एफ ही होता है इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो ए इज इक्वल टू प्लस का 5 लिया हुआ है, प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स है माइनस 26 डिवाइड बाय एन है 365 इंटू 10, ये माइनस है ना तो माइनस ही होगा 5 में से जो फाइनल होगा वो, तो यहाँ पे पहले 26 इंटू 10 260, 4.287 ये आपका x बार का आंसर आ गया। उसके बाद में थर्ड कैलकुलेशन लेना है, वो है कॉफिशियंट ऑफ एस डी, तो कॉफिशियंट ऑफ एस डी में आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन x बार, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आया था 14.73 अपॉन 4.287, 3.435 आंसर दिया हुआ है, ये आपका आंसर हो गया, तीनों आंसर कॉफिशियंट तक के हो गए, ठीक है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये जो माइनस वाला हमने अभी क्वेश्चन किया था उसका जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है, इसमें प्लस की संख्याएं पहले और माइनस बाद में है, तो ये अवरोही क्रम हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो डिसेंडिंग ऑर्डर होने के कारण से अब हमें क्या करना पड़ेगा इसमें, इसको प्रश्न को पहले सीधा करना पड़ेगा, सीधा करने का मतलब माइनस 3000 से माइनस 2000 वाला जो स्टेप है ना वहां से शुरू करते हुए इसको करना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, ये आपका ग्रुप हो जाएगा यानी x है और ये फर्म जो है वो f हो जाएगी, इसमें अपने को कैलकुलेट करना है मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, हम मीन डेविएशन तो करेंगे नहीं क्योंकि पहले कर चुके हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट हम इसमें कर देंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर अपने को कैलकुलेट करना है जो कि ये दिया हुआ है, स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों सबसे पहला स्टेप हमने इसमें पूरा किया, हमने माइनस की संख्याओं को पहले लिखा है और उसके बाद में हमने प्लस की संख्याओं को यानी इसको
आरोही क्रम में हमने लिख लिया है, आरोही असेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन को लिख लिया है। फ्रीक्वेंसी उसी क्रम में बोलिए बच्चों, आप नीचे से ऊपर की तरफ। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, जब आप ग्रुप को सीधा करते हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी उसके साथ चलती है, तो उसी क्रम में बोला है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रुप के साथ में फ्रीक्वेंसी को मैच कर लेना वापस के सही है ना, सही जगह पे। अब आप लेना है मिड वैल्यू जिसको हम एक्स कहते हैं, फिर डी एक्स, फिर डी डैश एक्स, फिर एफ डी डैश एक्स और फिर एफ डी डैश एक्स स्क्वायर। ये इतनी कैलकुलेशन अपने को करनी है। स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों, सबसे पहले मिड वैल्यू लेना है, तो मिड वैल्यू आता है माइनस का 2500, माइनस का 1500, माइनस का 500, प्लस का 500, फिर 1500, 2500, 3500, 4500, 4500, 5500। अब उसके बाद में dx निकालना है, तो x माइनस a करना है, तो a हम एज्यूम प्लस की संख्या को कर लेते हैं, तो यहां पे a बराबर हमने 500 लिख लिया, a बराबर 500। इस 500 को मैं से 500 गया तो 0, 500 में से 500 गए तो माइनस माइनस प्लस होके 1000 हो जाएगा, फिर यहां पे 2000, यहां पे 3000। नीचे आप ये माइनस क्या आएंगे, नीचे आएंगे 1000 प्लस का, फिर 2000, फिर 3000, 4000 और 5000। फिर इंटरवल 1000 का हो गया, तो भाग देने से माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आपका आएगा एफ डी डैश एक्स। तो एफ डी डैश एक्स में आपको करना क्या है, ये एफ है, ये डी डैश एक्स है, इन दोनों कॉलम की गुणा करवानी है, तो गुणा करवा दो बच्चों। माइनस का 30, माइनस का 16, माइनस का 6, 0, 5, 20, 90, 15 चौके 60 और 50, टोटल लगा लेंगे। फिर स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर में देखो बच्चों, ये और ये इन दोनों की गुणा करवानी है, तो 3 इंटू 30 90 प्लस का आ जाएगा, 16 इंटू 2 32, 6 कम 6 0, 5 एकम 5, 20 दूने 40, 90 तिया 27, 270, 6 चौक 24, 240, 5 छोड़े 25, 250, टोटल लगा। तो प्यारे बच्चों टोटल देखते हैं, पहले की टोटल कितनी आती है, 173 और इसका आता है 933। तो अब बच्चों आपको कैलकुलेशन में लेना है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो एसडी का फॉर्मूला लगाते हैं। तो एसडी में फॉर्मूले में क्या आया, 933 बटे 98 माइनस 173 बटे 98 का होल स्क्वायर इंटरवल 1000। फॉर्मूला लिखा नहीं, सीधा कर दिया इस बार, टाइम सेविंग। तो सॉल्व करें इसे, बाहर तो 1000 है, भाग दो कितना आता है, 933 में 98 का भाग दे दो, 9.5220 माइनस, इधर इसको पूरा सॉल्व करना है, 173 भाग 98 बराबर इनटू बराबर। इसको सॉल्व करने का तरीका है 173 डिवाइड बाय 98 बराबर इनटू बराबर करने से स्क्वायर हो जाता है 3.116। अब आपके इसके आगे का काम करना है, इसमें से इसको घटाओ, अंडर रूट करो और 10 से 1000 से गुणा करा दो, सीधा आंसर बोलो, 9.520 में से 3.116 घटाओ, फिर बराबर दबाना है, फिर अंडर रूट करना है, फिर 1000 से 2530.61 ये आपका आंसर आता है। चेक करते हैं आंसर को,
प्यारे बच्चे देख सकते हैं ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर है 2530.63। ठीक है, और अपना आंसर भी चेक कर लेते हैं 2530.61। तो 0.02 का अंतर चलता है क्योंकि ये कैलकुलेशन है। ठीक है प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों देखिए कॉफिशियंट ऑफ वेरियंस। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस सवालों में अब नया कुछ नहीं है, इसमें आपको कैलकुलेट करना होता है कॉफिशियंट ऑफ वेरियंस, जिसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन आप पहले कर चुके हैं, अपॉन एक्स बार ये भी आप पहले कर चुके हैं, केवल इनटू 100 लगाना है, इसलिए इसमें नया कुछ नहीं है। नया क्या है वो ही केवल समझाने की बात है, वो ये है कि इस तरह के जब आप प्रश्न देखोगे तो अब डबल डबल सवाल चलेगा। इसे लिखा है जैसे 45 नंबर क्वेश्चन है, x तथा y अंशों के मूल्य निम्नवत है, इनके आधार पर यह बताइए कि कौन से अंश के मूल्य में अधिक स्थिरता है। ये जो अधिक स्थिरता पूछता है ना, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मोर स्टेबल, कौन अधिक स्थिर है कौन अधिक स्टेबल है, तो कंपेरेटिव तुलनात्मक विवरण जिसको हम बोलते हैं वो इसमें बनाना होता है। तो इसमें ये जैसे एक्स है तो एक्स पूरा एक सवाल है, वाई दूसरा है तो वाई पूरा एक सवाल है, तो एक्स का आप सी ओ वी कैलकुलेट करेंगे कॉफिशियंट ऑफ वेरियंस, और वाई का भी कॉफिशियंट ऑफ वेरियंस कैलकुलेट करोगे। दोनों का कॉफिशियंट ऑफ वेरियंस हम कैलकुलेट करने के बाद में हम बताएंगे कि भाई जिसमें कॉफिशियंट ऑफ वेरियंस ज्यादा आता है इसका मतलब वो कम स्थिर है। क्या होता है वेरियंस का मतलब होता है बदलना, तो जिसमें वेरियंस ज्यादा है इसका मतलब वो ज्यादा बदलता है, और अगर वो ज्यादा बदलता है तो इसका मतलब स्थिर कौन है जिसका कॉफिशियंट ऑफ वेरियंस कम है। बस इसमें इतना ही नया है और कुछ भी नया नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप देखो ये रहा, इसमें सीवी आता है 5%, किसमें एक्स में, ये रहा एक्स का सीवी, और वाई में सीवी कितना आता है 1.905%। तो इसमें वेरियंस ज्यादा किसमें है एक्स में, अगर वेरियंस एक्स में ज्यादा है तो स्थिर ज्यादा कौन हो गया वाई, तो आंसर क्या है वाई इज मोर स्टेबल, वो अधिक स्थिर है, वाई इज मोर स्टेबल। बस ये इतना ही सवाल। हर प्रश्न में हमें कंपेयर करना है खाली कॉफिशियंट ऑफ वेरियंस निकालने के लिए। तो ये पूरा अब जैसे ये एक्स है और ये वाई, तो ये इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन हो गया। ये एक सवाल है और ये दूसरा सवाल है, दो बार आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, दोनों के आंसर आएंगे, और कॉफिशियंट ऑफ वेरियंस का फॉर्मूला यही है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार इंटू 100। तो हमने इंडिविजुअल सीरीज का पहले क्वेश्चन किया हुआ है, सही है ना, तो उसी के बेस पे चलेगा। तो प्यारे बच्चों इस सवाल को आप HW में करने की कोशिश करेंगे, बस इसमें नया मैंने बता दिया कुछ भी नहीं है, दोनों में आपको ये फॉर्मूला लगाना है, तो ये आपको पहले सिखाया हुआ है। अब आपको एक अगला काम, अगला क्वेश्चन एक और बताता हूं, उसमें भी देखो यही है पूछा है कि बताइए कौन सा बल्लेबाज अधिक अच्छा है। तो अधिक अच्छा वो है जो इसमें आपकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो इसमें भी वही है, ए एक सवाल हो गया, बी दूसरा सवाल हो गया, इसमें आप सीवी कैलकुलेट करोगे, ए का आता है 83%, बी का आता है 72%। तो स्थिरता किसमें ज्यादा, वेरियंस किसमें कम है, तो वेरियंस बी में कम है, और जिसमें वेरियंस कम होता है वो अधिक स्टेबल होता है। तो लिखा है बी बैट्समैन इज बेटर देन ए, बेटर इन ऑफ द टू, दोनों में से बी जो है वो अच्छा है। आसान है ना आंसर देना, तो इसमें कैलकुलेट केवल सीवी करना है, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार इंटू 100 करना है, इसलिए इसमें आंसर भी परसेंटेज में आएगा इंटू 100 करना। तो ये दोनों सवाल आप HW में करेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।